काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है लेकिन हम इंट्रोवर्ट हैं, हम इंटरव्यूज़ नहीं दे सकते। कोई ऐसे कॉलेजेस बताइए जिसमें इंटरव्यूज़ नहीं लगते, टॉप कॉलेजेस बताइएगा, IPM के भी, BBA के भी। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कहते हैं कि हम लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं, हमारी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, सो यू नो वी अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, वी कंप्रीहेंड इट बट वी आर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन इंटरव्यूअर बिकॉज वी कम फ्रॉम रस्टिक और रूरल बैकग्राउंड। तीसरी कैटेगरी का स्टूडेंट आता है हमारे पास, वो कहता है कि सर बहुत एक्सट्रोवर्ट है, हमको वही कॉलेजेस बताइएगा जिसमें इंटरव्यूज लिए जाते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स को वो कॉलेजेस मिल जाएंगे जहां पे वो इजीली जा सकते हैं विदाउट इंटरव्यूज के, और कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स को पता लगाना होगा इन कॉलेजेस के बारे में क्योंकि उनको दूसरे कॉलेजेस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन कॉलेजेस के बजाय। अ वेरी क्रूशियल सेशन, स्टिक टू द एंड। Number 1 in the list is the college that you get after writing IPMAT Indore. The college name is IFT Kakinada, Institute of Foreign Trade Kakinada, having a fantastic placement track record. 29 lakh के ऊपर का average placement पिछले साल इस particular college का गया in terms of MBA parlance, और ये particular college interviews conduct नहीं करा रहा। इतनी बड़े placement वाला college है लेकिन इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करा रहा। बिना इंटरव्यूज के आप IFT काकीनाडा में दाखिला ले सकते हैं आफ्टर राइटिंग IPMAT इंदौर। 98% वेटेज देता है IPMAT इंदौर के स्कोर कार्ड को और 2% वेटेज जेंडर डाइवर्सिटी को, मतलब इफ यू आर गर्ल स्टूडेंट और ट्रांसजेंडर देन 2% वेटेज वुड बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर फैक्टर। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज द कॉलेज दैट यू गेट फ्रॉम जिपमेट स्कोर्स, दैट इज आई एम जम्मू। आपसे इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करा रहा। सबसे अच्छी इस कॉलेज की बात यह है कि 100% रिलाय करता है जिपमेट स्कोर कार्ड्स पे। 5% वेटेज जरूर देता है जेंडर डाइवर्सिटी को, तो अगर आप मेल स्टूडेंट हैं तो 95% वेटेज दिया जाएगा और 5 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करा रहा और इनफैक्ट पास अकेडमिक्स को भी रोल में नहीं ले रहा। तो ऐसा कॉलेज जो पास अकेडमिक्स को भी नहीं देख रहा, इंटरव्यूज भी नहीं ले रहा, और इस आई एम में आप जाकर पढ़ सकते हैं आफ्टर राइटिंग जिपमेट एंट्रेंस टेस्ट। आई एम जम्मू की तरह आई एम बोधगया भी यही ट्रेंड फॉलो करता आया है, इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करा रहा, इनफैक्ट पास एकेडमिक्स को भी वेटेज नहीं देता। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोनों कॉलेजेस में परसेंटेज देखी जाती है बट वेटेज नहीं दिया जाता इन फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। व्हेन आई आस्क्ड IPM एक्स चेयर मिस्टर रवीश कृष्णमूर्ति कि आप लोग इंट्रोड्यूस क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर इस पर्टिकुलर चीज का दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हम स्टूडेंट्स की पर्सनालिटीज को आईएम्स में आने के बाद निखारना चाहते हैं, पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज नहीं लेना चाह रहे, तो इसलिए जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनको एक्सट्रोवर्ट्स बनाया जाएगा व्हेन दे आर कमिंग इनसाइड द कॉलेज। Next in the list is a college that you actually get from common university entrance test. I'm talking about India's best BMS, BBA, FIA college, जो कि न तो इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रहा है और न पास अकेडमिक्स को कंसिडर कर रहा है। I'm talking about St. Xavier's College of Business Studies, जिसमें आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखना है and just after writing that you are getting an admission. पहले हालांकि CUET के टाइम पर यहाँ पर GD जरूर हुआ करता था, ग्रुप डिस्कशन जरूर हुआ करता था, लेकिन आफ्टर CUET took its place, अब कोई GD भी नहीं होता, सिर्फ CUET का स्कोर कार्ड इज अवेलेबल होगा। So next in the list is not an IPM college but a BBA college that you actually get if you have mathematics as a subject. I'm talking about Anil Surindra Modi School of Commerce, a fantastic institute that you get after writing NPAT, National Test Programs after 12th, 100% स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है NPAT का, और यहाँ पर NPAT के बाद कोई इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करा रहा ये कॉलेज। The last in the list is the dream college of many Mumbaikers. I'm talking about none other than St. Xavier's Mumbai. The college that you're going to get after writing Xavier's aptitude test conducted by St. Xavier's Mumbai, जिसमें 60% वेटेज दिया जाता है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कार्ड को और 40% वेटेज दिया जाता है आपके 12th के परसेंटेजेस को। तो सर्टनली यहाँ पर भी इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं होते और बिना इंटरव्यूज के आप इस कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉलेजेस दैट आरंट टेकिंग इंटरव्यूज, and in the next episode we'll be coming up with something unique. Once again, like always, hit the like button right now, share this particular video with your friends, बहुत useful है उन लोगों के लिए भी, please इसलिए उनके साथ share कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती, आप वीडियोस देख के जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते, अभी कभी सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में वो सारी चीजें डालो जो आपके लिए यूजफुल है, हमारी टीम उसको आंसर करेगी, और कोई वीडियोस की फरमाइश है वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाय बाय।